हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़कों की ये बातें जिन्हें लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आज के वीडियो से टॉपिक पर, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लड़कों की उन बातों को जान पाओगे जिन्हें मोस्ट ऑफ द लड़कियां काफ़ी पसंद करती हैं। और इन बातों की वजह से ये होता है कि लड़की उस लड़के के साथ रहना या उनसे बातचीत करना, उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करने लगती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो है लड़की को छुप छुप कर लाइन मारना। अब लाइन मारने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी लड़की को लगातार घूर रहे हो या फिर लगातार ताड़ रहे हो या फिर गंदी नज़र से देख रहे हो। नहीं, लाइन मारने का मतलब है किसी लड़की को छुप छुप कर देखना, आपके देखने से उसे कंफर्टेबल फील हो। ऐसा ना हो कि आप उसे लगातार घूर रहे हो तो वो आपके देखने से अनकंफर्टेबल फील हो रही है, नर्वस हो रही है, ये चीज़ नहीं। ठीक है, लड़की को देखते समय थोड़ी सी स्माइल पास करना, आपको लगे कि हाँ भी वो आपको देखकर थोड़ी सी शाय हो रही है, थोड़ी सी शर्मा रही है। तो इस बात को मोस्ट ऑफ़ द लड़कियाँ काफ़ी पसंद करती हैं। और जब आप किसी लड़की को इस तरीके से देखते हो, लाइक उसे थोड़ा सा हल्की से स्माइल पास कर दो या फिर नॉर्मली कभी कभार उसे आई कॉन्टैक्ट करते हो, तो इस वजह से ये भी होता है कि लड़की को अपने बारे में ये लगता है कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है या काफ़ी सुंदर लग रही है, जिसकी वजह से आप उन्हें इस तरीके से नोट करते हो। इसके अलावा दूसरी जो बात है जो मोस्ट ऑफ़ द लड़कियों को लड़कों में काफ़ी अच्छी लगती है कि किसी से बात करते समय थोड़े बहुत पंच मारना या फिर अपने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करना। जी हाँ दोस्तों, देखो ये बात जो है काफ़ी लड़कियों को पसंद आती है कि जब कोई लड़की आपसे बात करे तो अगर आप बातों के दौरान बीच में थोड़े से पंच मार दो, जिससे लड़की को आपकी कंपनी अच्छी लगे, वो आपके साथ बात करते समय काफ़ी खुश रहे या फिर आपकी जो बातें हैं उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, तो ये बात जो है मोस्ट ऑफ़ द लड़कियों को काफ़ी अच्छी लगती है। और ऐसे लड़कों के साथ रहना या उनसे बातचीत करना मोस्ट ऑफ़ द लड़कियाँ काफ़ी पसंद करती हैं। अगली जो बात है वह है लड़की को ये एहसास करवाना कि आप एक रोमांटिक इंसान हो। ये बातें भी लड़कियों को काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि दोस्तों देखो, मोस्ट ऑफ़ द लड़कियाँ ऐसे पार्टनर के सपने देखती हैं, ऐसा बॉयफ्रेंड चाहती हैं जो प्यार करने के साथ साथ थोड़ा सा रोमांटिक इंसान भी हो, जिसे अपने प्यार को दिखाने का या एक्सप्रेस करने का अच्छा तरीका पता हो। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को प्यार तो करते हो, बट अगर आप अपने प्यार को दिखाते नहीं हो, उन्हें जताते नहीं हो अपने कामों के ज़रिए या अपनी छोटी छोटी एक्टिविटी के ज़रिए, तो आपकी पार्टनर को ये फील नहीं होता कि आप उनसे उतना प्यार करते हो। और वहीं अगर पार्टनर थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का होता है तो इससे ये होता है कि आपका रिश्ता जो है पहले से और भी ज़्यादा गहरा होता है। रिलेशनशिप में इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है, ठीक है, एक दूसरे से कभी भी दोनों ही लोग बोर नहीं होते हैं और आपका रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जाता है। आपके रिलेशन में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है और इसी वजह से मोस्ट ऑफ़ द लड़कियाँ ऐसा पार्टनर चाहती हैं। तो अगर आप रोमांटिक इंसान हो तो आप उन्हें साबित करो, लाइक लड़की से बात करते समय थोड़ा सा रोमांटिक बातों के ऊपर डिस्कस करो, ठीक है, रोमांटिक मूवीज़ के बारे में उन्हें बताओ, ठीक है, रोमांटिक गाने गुनगुनाओ, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें लगे कि आप एक रोमांटिक इंसान हो, जिससे उनका इंटरेस्ट आप में और भी ज़्यादा बढ़े। इसके अलावा अगली जो बात है, आपका रिलेशनशिप को लेकर सीरियस रहना, ठीक है, लड़की को ये दिखाना कि आप रिश्तों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हो। अगर आप इन फ्यूचर में रिलेशनशिप बनाते हो तो आप अपनी पार्टनर को कभी भी चीट नहीं करोगे, प्लस इसके साथ साथ जो है आप उनसे अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी शेयर करो, लाइक अपने पार्टनर को प्यार दिखाने के लिए आप कैसे कैसे तरीके अपनाओगे, ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या काम करोगे, ये चीज़ें अगर आप उसे जाहिर करते हो, ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में उन्हें बताते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग शेयर करते हो, ठीक है, तो इससे कहीं ज़्यादा लड़की का इंटरेस्ट आप में आने लगता है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।